अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुने हुए गोश्त की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। हड्डी वाला जो गोश्त है वो बहुत जायकेदार पकता है और हड्डियों का ना गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बाद में हड्डियाँ रिमूव कर सकते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने काट ली हैं और ये 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक है और 1 मीडियम टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जो है चिली पाउडर और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी और ये खड़ा मसाला डालूंगी। 1 बड़ी इलायची है, 4-5 जो हैं काली मिर्चें हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 2-3 लौंग और 1 दालचीनी है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी आपने इतनी ही लेनी है, इसको इससे ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। पानी डालने के बाद जो है मैं तकरीबन इसको आधा घंटा वेट लगाऊंगी और आधे घंटे बाद जब मैंने कुकर खोला है, आधे घंटे बाद जो है वो गोश्त ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका था। अब मैं जो है इसको पलट लूँगी कढ़ाई में, क्योंकि कुकर थोड़ा सा ऊँचा है तो कैमरा जो है वो सही फोकस नहीं करता इस पर। कढ़ाई में पलटने के बाद जो है फिर हम इसमें इसके बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। मैं आपको गोश्त की एक बोटी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी टेंडर हो गई है और बहुत अच्छा हमारा गोश्त गल गया है, लेकिन ये इतना नहीं गला कि बोटी टूटे भुनाई के दौरान। हड्डियाँ मैं रिमूव कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। चलें चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। ऑयल मैं इसमें तकरीबन डाल दूँगी 4 to 5 ही टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया था या उससे भी कम, क्योंकि गोश्त में वैसे ही ऑलरेडी फैट लगा हुआ था तो वो जब मैंने उसको पकाया है तो उसका अपना भी चिकना निकला है। मैं इसमें डाल दूंगी अब 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाले का और फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इस स्टेज पे आके मैंने इसमें नमक टेस्ट किया तो नमक मुझे जो है लगा कि मैंने इसमें डाला ही नहीं है, तो फिर मैंने इसमें डाला नमक 1 टीस्पून और 3 से 4 काली मिर्चें, कह रही हूँ हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली और 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दी थी। और फिर इसको डालने के बाद जो है वो मैंने अच्छी तरह इसको भूना है और देखें हमारा गोश्त ज़बरदस्त सा भुन गया है। इस स्टेज पर आके ना हम इसमें सूखी मेथी डालेंगे। भुने हुए गोश्त में ना आपने सूखी मेथी लाजमी ऐड करनी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देगो वाला टेस्ट आता है। हमारा गोश्त रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और मैंने इसको डिश आउट करने के बाद एज़ यूजुअल जो है इसको जो है धनिए से गार्निश कर लिया था और गोश्त ज़बरदस्त सा तैयार हुआ था और बहुत सॉफ्ट था और इसमें जो है ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी सी बनी थी। आप इसको चाहें तो नान के साथ सर्व करें, चाहें तो आप इसके साथ जो कुलचे होते हैं तिलों वाले उसके साथ सर्व करें, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। थैंक यू।